Hello, students, welcome back to our channel. This is the new video for class 5 English. So, open your advisor book. Okay, open your book. We will read the next chapter. We have completed chapter number 3. Now, next chapter is School is a Temple. That is chapter number 4. Okay, School is a Temple. What is the meaning of this chapter? कि स्कूल आपके लिए क्या है एक टेम्पल है जहाँ पे हम हर एक चीज सीखते हैं है ना आ, वो हमारे लिए एक पूजा घर की तरह है जहाँ पे हमें उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है है ना ओके और नई नई चीजें हमें सीखनी है फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डोटी क्लोथ्स क्लीन या फिर डोटी क्लोथ्स पहनना पसंद है सो आई लाइक व्योर क्लीन क्लोथ्स है ना नेक्स्ट डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम कौन से रूम में आप बैठना पसंद करेंगे क्लीन या डर्टी ऑब्वियसली क्लीन रूम नेक्स्ट इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश रबिश मीन्स कचरा है ना लाइक वेस्ट पेपर्स रैपर्स ऑफ कैंडीज एक्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू वॉट यू डू अगर आपके आसपास आपको दिखेगा कचरा पड़ा है तो आप क्या करोगे वो रबिश को आप जाके कहा फेंकोगे इन टू डस्टबिन सो आई वुड वुकअप दैट एंड पुट इट इन डस्टबिन ओके नाउ कम टू चैप्टर सबसे पहले हम पैसेज रीड करेंगे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे उसके बाद फिर हम वर्ड मीनिंग्स इसके न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्लासरूम स्टूडेंट्स आर सिटिंग राजू दिटर द्लास मॉनिटर के टुकड़े लाइंग ऑन द्लोर नियर मनजीत अब राजू था ठीक है एक क्लासरूम की बात चल रही है एक लाइक क्लास की बात हो रही है उस क्लास रूम में सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए एंड उनमें से क्लास का मॉनिटर कौन है राजू सो अंडरलाइन दिस राजू क्लास मॉनिटर ओके उसने क्या नोटिस किया कि है ना नीचे पेपर्स पड़े हैं ठीक है पेपर्स के टुकड़े पड़े हैं नीचे है ना और किसके पास पड़े हैं मनजीत के पैरों के पास में ओके सो लेट्स रीड दिस पैसेज राजू अब देखो राजू मंजीत से क्या बोलता है मनजीत यू हैव थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास तुमने ये कागज के टुकड़े क्लास में क्यों फेंक रखे हैं हु सो मनजीत बोलता है आई डोंट नो राजू मुझे नहीं पता किसने फेंके हैं मे बी हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स अब वो यहाँ बोल रहा है कि मुझे तो नहीं पता पता नहीं किसने फेंके हैं शायद किसी लड़के ने फेंके हो है ना तो स्क्रैप्स मींस पीस ऑफ पेपर स्क्रैप का मतलब क्या होता है पीस ऑफ Paper, और bits का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर मतलब और भी छोटे का मतलब छोटे नेक्स्ट uh, uh, okay? आप देखते हैं क्या बोलता है पे राजू नो यू आर चलिंग तुम झूठ बोल रहे हो मंजीत वेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास जब मैं क्लास से बाहर गया था यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर तुम पेपर पे कुछ लिख रहे थे आई एम श्योर दीज आर दिट्स ऑफ दैट सेम पेपर ये उसी पेपर के टुकड़े हैं मुझे पक्का पता है क्योंकि तो जब मैं क्लास से बाहर जा रहा था मैंने तुम्हें पेपर पे कुछ लिखते हुए देखा था तो ये उसी पेपर के टुकड़े हैं अब देखते हैं मनजीत मनजीत बोला कि आई डेंट थ्रो देम हेयर मैंने उन्हें यहाँ तो बिल्कुल नहीं फेंका है आई थ्रू दैम इन दी डस्टबिन मैंने उन्हें डस्टबिन में फेंका था उन पेपर्स को अब राजू बोलता है लाउड मतलब चिल्ला के बोलता है नो 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 यू थ्रू तुमने ही फेंके हैं यहां पे चलो क्लीन करो फ्लोर को फटाफट से नाउ क्लीन द फ्लोर ओके सो यहां ये पैसे समझ में आया नेक्स्ट पेज टर्न द पेज हम्म तो मंजीत बोलता वेन आई डेंट throw दीज बिट्स ऑफ पेपर्स वाई शुड आई क्लीन दैम मंजीत बोलता है जब मैंने फेंके ही नहीं है तो मैं क्यों क्लीन करूँ इसको बोथ स्टार्टेड क्वेलरिंग क्वेलरिंग मीन्स कि आर्ग्यूमेंट हो गई दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है ना फाइट करने लग गए दोनों एक दूसरे से क्योंकि मंजीत बोलता है जब मैंने फेंके नहीं है तो मैं क्यों क्लीन करूँ जस्ट देन द्लास टीचर एंटर्स इतने में ही क्लास टीचर एंटर करती हैं क्लास रूम में टीचर बॉयस वाई आर यू मेकिंग अ तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो इतनी ज़्यादा मंजीत बोलता सर राजू इज ब्लेमिंग मी ब्लेमिंग मतलब इल्जाम लगाना ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेमिंग इल्जाम लगाना ब्लेमिंग मी ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पेपर्स ऑफ दीज पीसेस ऑफ पेपर्स हेयर है ना राजू बोलता है यहाँ पे सॉरी मंजीत बोलता कि सर राजू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने ही यहाँ पे ये पेपर्स थ्रो किए हैं ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो वो मुझसे कह रहा है कि फ्लोर भी क्लीन करो बट इट्स नॉट माई जॉब टीचर बोलते बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट पहले तो सब चुप हो जाओ और मुझे बिल्कुल आराम से शांति से सुनो तो लिसन टू मी पेशेंटली पेशेंटली मतलब बहुत ध्यान से है ना बहुत ध्यान से टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीनस इट अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपकी बॉडी डर्टी हो जाती है तो कौन क्लीन करता है किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बॉडी को क्लीन करना ऑब्वियसली हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम खुद क्लीन करेंगे ना कोई और आके थोड़ी ना क्लीन करेगा सो so, ऑल सारे बोलते वी डू इट आर सेल्फ सर हम सब एक आ, हम सब खुद करेंगे टीचर इफ़ योर रूम इज़ डी अगर तुम्हारा रूम ड्योटी है सो इज़ इट ओनली योर मदरस ड्यूटी टू क्लीन इट क्या यह तुम्हारी सिर्फ मदर की ड्यूटी है क्लीन करने का तुम्हारा रूम अगर गंदा है तो क्या तुम्हारी ममा ही क्लीन करेंगी ज़रूरी है उनकी ड्यूटी डोंट यू क्लीन योर रूम क्या तुम अपना खुद का रूम क्लीन नहीं कर सकते राजू बोलता येस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ मैं तो खुद का रूम खुद ही साफ करता हूँ टीचर बोलते गुड राजू नेक्स्ट अब नेहा एक स्टूडेंट है वो बोलती सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना है ना आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल मतलब वेल well में से पानी भी निकालने में मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो मैं किचन में भी उनकी हेल्प करती हूँ फिर बिट्टू बोलता सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आर शॉप मैं उन्हें मैं फादर को उनकी शॉप में भी हेल्प करता हूँ सो so, यहां देख रहे हो टीचर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे क्लीन रखना भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ओके नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे आते हैं पेज नंबर वन थर्टी नाइन टीचर वेरी गुड माई चिल्ड्रेन वी वर्क एट होम आर सेल्व एंड हेल्प आर फैमिली मेंबर्स हम घर पर तो काम करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को हेल्प भी करते हैं दे वी डोंट थिंक वेदर आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट वहाँ तो हम नहीं आ, ये सोचते कि ये हमारा काम नहीं है तो हम नहीं करेंगे हाउस एक्टिविटी एक घर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली सबकी हेल्प करनी पड़ेगी आपको करनी ही चाहिए इनफैक्ट और हम वहाँ ये तो नहीं सोचते कि मम्मा का काम है तो मम्मा करेंगी मेरा रूम है तो ऑब्वियसली मैं भी क्लीन कर सकता हूँ ना मम्मा के और ज्यादा काम में हेल्प हो जाएगी ठीक है इन द सेम मैनर आर स्कूल इज ऑल्सो लाइक आर होम हमारा स्कूल भी तो हमारे घर की तरह ही है हम डेली यहाँ पे सेवन टू एट आवर्स स्पेंड कर रहे हैं इट्स तो मीन वो भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वो प्लेस वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफेयर हम यहाँ रहते हैं साथ में पढ़ते हैं स्टूडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो क्या हमें उसकी सफाई की आ, सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए इफ वी मेक इट डॉटी अगर हम उसे गंदा बनाएंगे वो वेल क्लीन इट कौन क्लीन करेगा आखिरकार है तो वो हमारा स्कूल हमारा क्लासरूम है तो हमारी ना प्रॉपर्टी आई थिंक हमें ही करना है है? उसे। ठीक आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई करते हैं दे ऑल स्टार्ट एंड बेंचेस फिर जैसे ही सर ने उन्हें ये एक्सप्लेन किया उन्हें समझाया ये चीज कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीनलीनेस भी हमारा क्लासरूम हमारा स्कूल वही हमारे घर की तरह भी है तो उसके बाद सारे स्टूडेंट्स क्या करने लग गए अपनी अपनी टेबल्स और बेंचेस को अच्छे से अरेंज करने लग गए देन दे वाइप दी डोर्स एंड स्वेप द फ्लोर उन्होंने डोर को भी क्लीन किया फ्लोर को भी क्लीन किया साफ़ किया राजू अब राजू बोलता आई विल रिमूव ऑल दॉप वेब्स ऑन द वॉल इसका ये मतलब है कॉप वेब्स मतलब जाले जाले लगे हुए थे स्पाइडर का नेट होता है ना वो लगे हुए थे तो राजू बोलता मैं उनको क्लीन कर देता हूँ है ना यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माय स्कूल ओके यहाँ पे उन्होंने एक राइमिंग लाइंस uh, बना दी है देखो आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स वेब्स ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माय स्कूल अब नेहा बोलती आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अब रूम आई विल क्लीन माई रूम Broom मतलब झाड़ू ओके okay? Broom का मतलब क्या होता है झाड़ू तो आपको समझ में आया यहाँ पे इन दोनों ने राइमिंग दिए अपन को बहुत सारे ओके नेक्स्ट इज अब यहाँ पे सारे बच्चे क्या बोलते वी ऑल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंस स्कूल इज अ टेम्पल नॉलेज इज एम्पल एम्पल मीन्स बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा सो so, यहां पे वो बोल रहे हैं हम फ्लावर्स भी ग्रो करेंगे प्लांट्स भी ग्रो करेंगे किसकी हेल्प से हमारे टीचर की हेल्प से आंट्स की हेल्प से है ना नॉलेज uh, क्या है नॉलेज इज एम्पल बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए ठीक है टीचर यू आर ऑल राइट लेट्स मेक आर स्कूल ब्राइट इफ वी आर ड्यूटिफुल भारत विल बी ब्यूटिफुल देखो कितनी प्यारी पोएम बना दी इन्होंने है ना यहाँ पे क्या बोला टीचर बोलते हाँ तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो हम अपने स्कूल को ब्राइट बनाएंगे ड्यूटीफुल मीन्स डूइंग ऑल द थिंग्स वेरी ऑनेस्टली है ना अपने काम को अच्छी तरीके से करना तो भारत विल बी ब्यूटिफुल क्लियर समझ आया बच्चों चैप्टर ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अब इसके बाद हम बुक वर्क वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ओके So I'll see you in the next uh, next video. Bye bye.